नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूँ आपके साथ वर्षा वर्मा। आज हम बात करते हैं अप्रैल माह का प्रथम मंगलवार मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन की। जी हाँ, जो राजस्थान के कस्बा व तहसील राजाखेड़ा जिला धौलपुर राजस्थान में हुआ। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हरि की अमृत वाणी सुन श्रद्धालु आनंद में झूमते नजर आए। नारायण साकार हरि की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी ममता मई मां मातेश्वरी की, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के विशाल स्थल राजा का खेड़ा पर पधारे समस्त मानव प्रेमी बहने, वास्तव में आज इस धरा और धरती के लिए सबसे बड़ा पवित्र दिन है कि जब इस धरा और धरती पर नारायण साकार हरि के हमें साक्षात दर्शन भी हो रहे हैं और ब्रह्मवाणी को श्रवण करने का अवसर भी मिल रहा है। क्योंकि वास्तव में सत्य है, नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं और ब्रह्मांड के कुल मालिक का दर्शन और ब्रह्मवाणी को श्रवण करने का अवसर हमें तभी मिलता है जब हमारे जन्मों जन्मों के तप कार्य करते हैं। नारायण साकार हरि ने बताया कि हमारे यहाँ पर कोई ढोंग पाखंड आडंबर नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई दान पात्र भी नहीं है। यहाँ मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, यही संदेश लोगों तक पहुँचाया जाता है। आगे आपको बताते चलें, राजस्थान के राजाखेड़ा के कांग्रेस विधायक वीरेंद्र बोरा ने भी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने की शिरकत की। उन्होंने कहा, राजस्थान को तंबाकू, शराब आदि नशीले पदार्थों से मुक्त करने के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने नारायण साकार हरि परमात्मा से कहा कि क्षेत्र की जनता को आपके द्वारा ये संदेश पहुंचाया जाए कि राजस्थान तंबाकू, शराब आदि नशीले पदार्थों से मुक्त हो सके। साथ ही राजाखेड़ा में चल रहे सत्य के साथ में तमाम श्रद्धालु में भाईचारा देखने को मिला और नारायण साकार हरि परमात्मा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, है ही नहीं, है ही नहीं और होंगे भी नहीं। यथार्थ यही है, वास्तविकता यही है, सत्यता यही है। हम स्वीकार कर पाते हैं अथवा नहीं, ये हम पर लागू होता है। दूसरों पर उंगली उठाने का हमको कोई अधिकार नहीं होता है। खास बात यह है, मिस्टर ठाकुर एपी सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली द्वारा अपने मंतव्य में खुद बीती के द्वारा सब कुछ तो उजागर किया है और बड़े मजबूती से किया है और करना भी चाहिए। क्यों? किसी का खंडन यहां नहीं होता है, किसी का मंडन नहीं होता है। यहां अगर बरसात हो रही है, बरसात से बचना चाहते हैं तो छतरी दे दी जाती है, छतरी लगाओ और बरसात से बच सकते हैं। यहां किसी का खंडन नहीं किया जाता है, मंडन नहीं किया जाता है। और ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। अभी मिस्टर ठाकुर एपी सिंह एडवोकेट ने दर्शाया, यहां राजाखेड़ा के जनप्रतिनिधि और भी महापुरुषों का जिक्र आया, परिचित होंगे, जानकारी होगी।
जब ही तो उनका नाम उजागर किया। हम आपको दर्शाना चाहते हैं, खुद भी थे, हमने भी जब से होश संभाला है खेतों में काम किया है, भाग दौड़ कर शिक्षा विद्या ध्यान की। सुनिए जरा गौर से, अचानक 18 वर्ष कुछ माह में नौकरी मिल जाती है, 14 माह ट्रेनिंग करने के बाद पोस्टिंग होती है, फिर फॉर्म भरते रहे, विद्या अध्ययन करते रहे, लगभग 21 वर्ष जुडिशियरी न्यायालय में स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नारकोटिव एक्ट, स्पेशल जज ईसीजे, डिस्ट्रिक्ट जज न्यायालय में कार्य किया है। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में पहुंचे, अभी 14-15 वर्ष नौकरी की शेष थी। आप समझ सकते हैं आज के दौर में नौकरी मिलना आसान काम नहीं। जीवन यापन का सहारा होता है खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, मजदूरी, जो भी धंधा रोजगार करे। 14-15 वर्ष पहले पेंशन हम अपनी मर्जी से लेके नहीं आए। जिन्होंने पेंशन दिलाई है, ये शरीर निमित्त मात्र है, एक हरकारा चौकीदार बन के काम करता है। जो पेंशन दिला के लाई है वही सत्य का डंका बजा रहे, हकीकत आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको भटके हुए से सग मार्ग दे रहे हैं, सोए हुए से जगा रहे हैं। कंचन कामनी, मोह माया, वासनाएं, अहम भेद, मैं मेरी, अपने पराए के कोमा से निकालकर और सत्ज्ञान दिया जा रहा है। संसार में ज्ञान तो सभी के पास है, बात सत्ज्ञान की होती है। अभी वकील साहब ने बता दिया, करीब 21 वर्ष दुनिया में कैलेंडर के मुताबिक हमको सत्य के मार्ग पर हो चुका है। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में आप लोग, आप महापुरुष ही मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने, सत्य का साथ कराने के लिए आते हैं। जिन महापुरुषों का अतीत सत्य के नाते मजबूत है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य मजबूत है, संस्कार सत्य का है, उन महापुरुषों को सत्य के साथ का नारायण हरि परमात्मा की सत्य मर्कता का आयोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये अपना तन मन धन आने वाले संत महात्मा महापुरुषों की व्यवस्था के लिए खर्च करते हैं।
अगर ये सतुगी सतो प्रधान आत्मा न होते आज भौतिकतावादी युग में ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला भेदभाव से बचकर और हकीकत का इजहार करते हैं, रूहानियत का परिचय देते हैं, मक्खन मलाई नहीं लगाते हैं और आप लोगों को स्पष्ट दर्शा दिया गया है। क्या दर्शा दिया गया है? आपको जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, नारायण हरि परमात्मा न हरि परमात्मा का आदि है न अंत है, न जन्मते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम दायम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। और आप कितने परम सौभाग्यशाली हैं, ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास भेदभाव से परे परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन हरि परमात्मा स्वयं करते हैं। और क्या चाहिए जीवन में, स्वयं ही करते हैं। आप समझ सकते हैं, समझना भी चाहिए। भले ही शरीर को आप देख रहे हैं, हर कारण चौकीदार बनकर हम काम करते हैं, आपने यो हाथ फैलाया उन समस्त आने वाले महापुरुषों को इशारा किया जाता है। जो कमेटी बनाकर आयोजन करते हैं, जो यहां का विधान है उसे तोड़कर और हाथ फैलाते हैं मांगने के लिए, धन लेने के लिए, रुपया पैसा लेने के लिए, तो श्रीमान जी समझ आ जाना चाहिए, जहां हाथ फैलाया उसी समय मर गए, उसी समय मृत्यु हो गई। शरीर की मौत जब होगी तब होगी, लेकिन हाथ फैलाते ही मर जाते हैं, मौत हो जाती है। हाथ फैलाए ही भिखारी बन जाते हैं, मंगता बन जाते हैं। देने वाला हरि दाता होता है और लेने वाला मंगता होता है। आपने देखा है यहां किसी को भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र की नियत से नहीं देखा जाता है, काला गोरा नहीं देखा जाता है, स्त्री पुरुष नहीं देखा जाता है। ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, भटकन समाप्त हो। आप ये भी जानते हैं हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा सावा कथा वाचक नहीं है। आप ये भी देख रहे हैं रूप नहीं, रंग नहीं, वेश नहीं, जटा नहीं, जूत नहीं, कंठी माला, तिलक छापा नहीं। आप ये भी समझ सकते हैं आमतौर पर दुनिया की कैलेंडर के मुताबिक 21.5 वर्ष हमको सत्य के मार्ग पर हो गया। आज तक हमारे द्वारा कहीं आश्रम नहीं बनवाया गया है। अंबाला में हमारी मौजूदगी थी, पंजाबी सेठों के हम रुके हुए थे, रात को 25-30 महापुरुष इकट्ठे हुए। उन्होंने हमसे कहा कर आपकी आज्ञा हो जाए, दिल्ली अमृतसर हाईवे पर अंबाला में हम ऐसा आश्रम बनवाएंगे जो दुनिया में न हो। हमने इस तरीका से करवत प्रार्थना की, ये कुछ कराना हमारे बस की बात नहीं। क्यों?
हम कोई मिशन नहीं चला रहे, हम कोई संघ संस्था नहीं चला रहे। हमारे जीवन यापन के लिए जमीन है, वर्ष में तीन तीन फसलें पैदा होती हैं, हमारे खर्चे नहीं है, हमने कहीं कोई प्लाट नहीं खरीदा है, केवल पेंशन की पासबुक चलती है, कोई हमारे खर्चे भी नहीं है। ये आपको हम अपनी खुद बीती बता रहे हैं। आते जाते आप लोग देखते भी हैं, ये नहीं के देखते नहीं है। उन महापुरुषों से जिन्होंने प्रवास बनाए हुए हैं, आप समझ सकते हैं उन्होंने क्या रवैया अख्तियार किया हुआ है। और हमने इशारा कर दिया, हाथ फैलने वाला तुरंत मर जाता है, शरीर की मौत जब होगी तो होती है। क्यों? यहां हरि के नाम को बेचा नहीं जा सकता। अगर किसी पिता के बेटा बेटी लायक पर है तो वो अपने पिता के नाम को नहीं बेचेंगे। अगर वो पिता के नाम को बेचते हैं, हमारी समझ से कोई पिता बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब पिता अपने नाम को बेचना बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ब्रह्मांड के कुल वाले हरि परमात्मा भी अपने नाम को बेचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार मजदूरी धंधा रोजगार है, उससे जीवन यापन होगा। दूसरे मायनों में देखें तो ज्यादा समय हमें आपका नहीं लेना है। इन महापुरुषों ने जो उजागर किया है वो सुनने के बाद कुछ कहने को शेष नहीं रह जाता है। इतना गांठ बांध लो, अनुशासित रहो, मर्यादित रहो, अनुशासित रहो, मर्यादित रहो, भेद रहित होकर निस्वार्थ प्रेम का तरीका सलीका अपनाओ। निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं। और दर्शन के महत्व को समझ लो, वाणी के प्रभाव को समझ लो, और वचन एक वरदान है, वचन को मान के चलोगे जीवन धन्य हो जाएगा, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेदों शास्त्रों पुराण के मुताबिक 84 लाख योनियों में जाने से बच जाओगे। एक अनाउंस कर देना, बगीचा भी हम बताएंगे। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। चाहे दोसा के लेखपाल होंगे उनसे पूछ लो अनाउंस करना। आरती देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।